कोरोना वायरस के मद्देनज़र स्वामी दयानंद अस्पताल में किए गए इंतजाम का पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष सचिन शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार भी मौजूद रहे। सचिन शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के लिए स्वामी दयानंद अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, साथ ही आपात स्थिति में प्राइवेट वार्ड को भी आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बैनर लगाया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों व तीमारदारों को पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सचिन शर्मा ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी कम से कम संख्या में आने के लिए कहा जा रहा है, ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। उसमें जो दो वार्ड हमने पहले ही बना दिए थे आइसोलेशन वार्ड स्वामी दयानंद अस्पताल में, उसके अलावा भगवान ना करे कि महामारी और ज़्यादा बढ़ती है अगर, तो उसके लिए जो हमारे प्राइवेट वार्ड्स हैं स्वामी दयानंद अस्पताल में, उन्हें भी हमने प्रिपेयर कर दिया है 9 के 9 वार्डों को, कि उन्हें भी हम आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करके और वहाँ भी उपचार शुरू कर देंगे। इसके अलावा अस्पताल में जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जागरूकता के लिए हमने होर्डिंग्स लगवा दी हैं अस्पताल में, नहीं पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, साथ ही इस तरह के जो पंपलेट्स हैं ये हमने हर एक अपने काउंसलर को यहाँ भिजवा दिए। 2 लाख सोडियम क्लोराइड 1%, उससे अपने घर को और अपने ऑफिस को साफ करें, उसमें 3% पानी और 1% सोडियम क्लोराइड, उसे मिक्स करके उससे अपने ऑफिस को, जहाँ जहाँ भी बाहर से आदमी आते हैं, आप बाहर से आए हाथ लगाते हो, चाहे टेबल हो, आपके घर का डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल हो, सबको उससे पोछें। अस्पताल में मरीज के तीमारदारों को भी जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, अस्पताल में जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है सभी से कि जो बीमार है, जिसे जो भी बीमारी है, वो तो एडमिट है ही, उसके लुक आफ्टर के लिए डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक तीमारदार वहाँ रुक जाइए, जो क्योंकि ये डिजीज़ जो है ये एयरबोन डिजीज़ नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर मुझे और आप मेरे साथ हो, मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, थूक के कण एक दूसरे के पास जा रहे हैं, उससे डिजीज़ फैलती है, तो ऐसी जगह तीमारदारों से भी कहूँगा कि हॉस्पिटल में ना जाएं, एक आज जो ज़रूरी व्यक्ति है जो बीमार के साथ रहना है वही सिर्फ रहे।